मध्य प्रदेश के देवास जिले के बागली तहसील में अखिल भारतीय अनुसूचित जनजाति परिषद प्रदेश अध्यक्ष हरीश कौशल एक दिवसीय दौरे के दौरान बागली पहुंचे, जहां ब्लॉक अध्यक्ष चेतन नरवले के साथ कौशल ने अनुसूचित जनजाति के परिवार एवं परिषद के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं उसकी जानकारी एकत्रित की। साथ ही शुक्रवार को बागली मुख्यालय पर संचालित छात्रावासों का निरीक्षण किया। इस दौरान दो बालिका छात्रावास के अधीक्षक मुख्यालय पर पूरे समय नहीं रहती है, अप डाउन करती है, शिकायत मिली है। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए कौशल द्वारा बताया गया है कि सरकार अनुसूचित जनजाति के लिए अनेकों योजनाएं संचालित कर रही है, लेकिन निचले नेता व लचीले अमले की निष्क्रियता के कारण आज भी ऐसे कई परिवार हैं जो इन योजनाओं से दूर नजर आ रहे हैं। वहीं कौशल द्वारा बताया गया है कि छात्रावासों की शिकायत को लेकर विभाग के संबंधित अधिकारियों से चर्चा की जाएगी। दौरे के दौरान जगह जगह अखिल भारतीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा कौशल का स्वागत भी किया गया। मध्य प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी पूर्व में अनुसूचित जाति छात्रावासों को जो राशि मिलती थी उसको दुगनी करी, और दुगनी करने के बाद हमें यह पता पड़ा कि छात्रावास में वो व्यवस्थाएँ नहीं मिल रही। तो हम लोगों ने जगह जगह जा जाकर हमने प्रवास बनाया है, और प्रवास बनाने के साथ साथ बच्चियों से चर्चा भी करी कि जब तक जनप्रतिनिधि छात्रावास में नहीं जाएगा तो उनको जानकारी उपलब्ध कैसे होगी। तो हमने जानकारी उपलब्ध कही, कहीं कहीं त्रुटियां पाई गई तो उनको भी अवधित किया गया है, और हम अभी देवास प्रवास पे हूँ, मैं वहाँ पर जाकर मैं अधिकारी से बात करके इसको भी निराकरण करवाऊंगा। जहाँ आप लोग बता रहे हैं कहीं कहीं ये त्रुटियां पाई जा रही हैं उसको सुलझाएंगे। बागली तहसील से रवि पाटीदार की रिपोर्ट।